हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ अपूर्वा नाइक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किट बायोटेक्नोलॉजी के इम्यूनोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। मैंने यहाँ पे 2012 से लेकर 2022 तक जो सारे इम्यूनोलॉजी के रिलेटेड PYQs आए हैं वो सारे PYQs यहाँ पर लिस्ट आउट कर दिए हैं। इम्यूनोलॉजी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आप इम्यूनोलॉजी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो। कुछ 4-5 टॉपिक आपने गिनकर प्रिपेयर कर दिए तो हर साल उसी से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप इम्यूनोलॉजी करना चाहते हैं तो इम्यूनोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कर लीजिए तो आपको इम्यूनोलॉजी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। और उससे एटलीस्ट 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल इम्यूनोलॉजी से आप देखेंगे तो हर साल आ रहे हैं। सो चलिए आज का यह टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप इन्वॉल्व्ड। सो ब्लड ग्रुप जब हम फाइंड आउट करते हैं तो कौन सा प्रिंसिपल वहाँ पर यूज़ होता है, प्रेसिपिटेशन, ऑप्शनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन या फिर अग्लूटिनेशन। आप कभी डॉक्टर के पास अपना ब्लड ग्रुप चेक करने जाओगे तो वहाँ पे क्या किया जाता है, आपका ब्लड के ड्रॉप्स लिए जाते हैं और वहाँ पे एंटी ए एंटीबॉडी एंड एंटी बी एंटीबॉडीज़ डाली जाती है, ठीक है। वहाँ पे अगर अग्लूटिनेशन हो रहा है या मीन्स छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स वहाँ पे आपको दिखेंगे। सो मोस्ट कॉमनली ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए जो प्रिंसिपल यूज़ होता है उसे हम कहेंगे अग्लूटिनेशन। सो मैं आपको एक फिगर दिखा के ये चीज़ समझा देती हूँ। तो व्हाट इज़ एग्जैक्टली अग्लूटिनेशन, अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एंटी ए एंटीबॉडी एंड एंटी बी एंटीबॉडी, ये दो एंटीबॉडीज़ ली गई है और यहाँ पे ब्लड का स्पॉट दिया गया है। अगर ब्लड आपके ब्लड में ए एंटीजन होगा तो उसके साथ ए एंटीबॉडी इंटरेक्ट करेगी और वहाँ पर उस ब्लड को अग्लूटिनेट कर देगी। इसलिए जो एंटीबॉडी डालकर ब्लड एग्लूटिनेट हो रहा है वो ब्लड ग्रुप आपका होगा। जस्ट लाइक दैट ये सेल है और ये सेल के ऊपर इस सेल के ऊपर ए एंटीजन है। अगर आपने ये एंटीबॉडी डाली तो एंटीबॉडी इस एंटीजन से इंटरेक्ट करके इस सेल को डिस्ट्रक्ट कर देगी और यहाँ पे एग्लूटिनेशन होगा। सेम वे लाइक दैट आपकी जो सेल है उस पर बी एंटीजन होगा तो उसके साथ बी एंटीबॉडी इंटरेक्ट करेगी और इसको डिस्ट्रक्ट करेगी तो आप कहेंगे आपका जो ब्लड ग्रुप है वो बी ब्लड ग्रुप है। अगर दोनों ही ब्लड सेल्स जो है वो वैसे की वैसी रह रही है तो इसका मतलब आपके पास ए भी नहीं है और बी एंटीजन भी नहीं है, तो इसका मतलब आपका जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है। और दोनों ही सेल्स में या दोनों ही एंटी ए में डाली और बी डाली दोनों ही डिस्ट्रक्ट करें इसका मतलब आपके सेल के ऊपर दोनों ही क्या है, एंटीजन है, इसका मतलब आपका ब्लड ग्रुप ए बी है। इस तरह से हम ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो है अग्लूटिनेशन, दैट्स इट। यहाँ तक आपको समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो बी लिम्फोसाइट ओरिजिनेटेड फ्रॉम बोन मैरो एंड टी लिम्फोसाइट ओरिजिनेटेड फ्रॉम। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यह पता है कि बी सेल हो या टी सेल हो दोनों ही सेल ओरिजिनेट होती है बोन मैरो से, लेकिन बी सेल जो है वो मैच्योर्ड होती है बोन मैरो में, टी सेल जो है वह मैच्योर होती है थाइमस में। यहाँ पे मैच्योरेशन हमें से पूछा नहीं, हमसे क्या पूछा है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम। सो टी सेल जो है वो ओरिजिनेट होती है बोन मैरो से ही। सो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि उन्होंने मैच्योरेशन पूछा है या ओरिजिनेशन पूछा है। तो ओरिजिनेट वो बोन मैरो से ही होती है, सिर्फ मैच्योरेशन के लिए वो थाइमस में जाती है। सो यहाँ का आंसर है बोन मैरो। न्यूड माइस हम किसे कहते हैं, जिस माइस में थाइमस नहीं है वो न्यूड माइस है, राइट। सो न्यूड माइस एग्जैक्टली व्हाट, माइस विदाउट स्किन, नॉकआउट माइस, माइस विदाउट थाइमस और ट्रांसजेनिक माइस। तो यस, माइस विदाउट थाइमस, चाहे पे थाइमस नहीं है वहाँ पे क्या होगा, टी सेल क्या नहीं होगी, मैच्योर नहीं होगी। सो टी सेल का मैच्योरेशन नहीं होगा अगर वहाँ पे थाइमस नहीं है तो। सो न्यूड माइस इसे कहते हैं हम, जिस सेल में या जिस माउस में थाइमस नहीं है, थाइमस निकाला गया है उसे हम कहेंगे न्यूड माइस। हिट इनएक्टिवेशन ऑफ सीरम इज डन टू इनएक्टिवेट। मोस्ट कॉमनली अगर हम कहें तो सीरम में क्या होता है,
सीरम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, सीरम को अगर हमने हिट कर दिया तो कौन सा कंपोनेंट मोस्ट कॉमनली इनएक्टिवेट हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। अगर आपको पता है तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है, जो इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है, वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो होती है वो हीट सेंसिटिव होती है। इसे अगर हमने हीट दे दी या फिर हायर टेम्परेचर कर दिया तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इनएक्टिवेट हो जाती है। और वो हमें पता है बहुत सारे कंपोनेंट है या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के, जैसे कि C3A है, C3B है, या फिर और सारे 5A 5B है। सो ये सारे जो कंपोनेंट है वो हीट इनएक्टिवेट होते हैं, हीट सेंसिटिव हो जाते हैं। अगर हमने सीरम को हीट कर दिया तो ये कंपोनेंट इनएक्टिवेट हो जाएंगे। सो इसका आंसर है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, दैट इज़ इडियोटिपिक डिटर्मिनेंट ऑफ एंटीबॉडीज आर एसोसिएटेड विथ। सो इडियोटिपिक डिटर्मिनेंट ऑफ एंटीबॉडीज़ किससे एसोसिएटेड होते हैं? यहाँ पे थ्री डिटर्मिनेंट्स है, जैसे कि हम कहते हैं एलोटिपिक डिटर्मिनेंट, आइसोटिपिक डिटर्मिनेंट, इडियोटिपिक डिटर्मिनेंट। सो वो मोस्ट कॉमनली हम किससे डिटरमाइन कर सकते हैं? हम वेरिएबल रीजन से डिटरमाइन कर सकते हैं या कांस्टेंट रीजन से डिटरमाइन कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये जो कंसेप्ट है ये हम फिगर से समझेंगे और फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। अगर हम यहाँ डिटरमिनेंट्स के बारे में देखें तो थ्री टाइप्स ऑफ डिटरमिनेंट्स होते हैं, आइसोटोपिक डिटरमिनेंट, एलोटोपिक डिटरमिनेंट एंड इडियोटोपिक डिटरमिनेंट। यहाँ पे अगर हम देखें तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर मोस्ट कॉमनली ऐसा होता है, और यहाँ पे हमें पता है ये ऊपर के दो रीजन जो होते हैं वो वेरिएबल रीजन होते हैं, और बाकी जो नीचे का पोर्शन होता है जिसे हम कांस्टेंट रीजन कहते हैं। इसमें भी हमें पता है कि ये जो छोटी ये होती है चेन होती है उसे हम लाइट चेन कहते हैं, और ये पूरा जो होता है उसे हम हैवी चेन कहते हैं, राइट। सो यहाँ पे इन दोनों के वेरिएबल रीजन या इन दोनों के कॉन्सेप्ट पे ही ये डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है। हमें ये पूछा है कि इडियोटिपिक डिटर्मिनेंट कौन से रीजन से हम डिटरमाइन कर सकते हैं या एसोसिएटेड होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस फिगर में तो इडियोटिपिक डिटर्मिनेंट जो है वो वेरिएबल रीजन से एसोसिएटेड होता है। इसका मतलब क्या, ये दोनों एंटीबॉडीज़ में अगर हम देखें IgG1 एंड IgG1 माउस की, लेकिन ये अगेंस्ट ए एंटीजन है और अगेंस्ट बी एंटीजन है। तो यहाँ पे एक ही एंटीबॉडीज़ दो अलग अलग एंटीजन के अलग अलग एंटीजन के लिए फॉर्म हुए हैं। सो यहाँ पे इडियोटिपिक डिटर्मिनेंट जब हम कहते हैं तो वो वेरिएबल रीजन के एसोसिएटेड होती है। अगर हम एलोटिपिक डिटर्मिनेंट के बारे में देखें तो एलोटिपिक डिटर्मिनेंट में ये अगर हम देखें तो ये कांस्टेंट रीजन है, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, और ये छोटी अगर हम देखें तो ये कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। सो ये दोनों ही अलग अलग है। अगर हम माउस माउस की G1 एंटीबॉडीज़ देखें और G1 एंटीबॉडीज़ देखें दोनों की, लेकिन स्ट्रेन अलग अलग है। सो एलोटिपिक डिटर्मिनेंट किससे रिलेट करता है या किससे एसोसिएटेड होता है, तो वो कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन एंड हैवी चेन दोनों से एसोसिएटेड होता है। लेकिन हम आइसोटिपिक डिटर्मिनेंट के यहाँ पे देखें तो आइसोटिपिक डिटर्मिनेंट में वो सिर्फ कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन से एसोसिएटेड होता है, नॉट रिलेटेड टू द लाइट चेन। सो आइसोटिपिक डिटर्मिनेंट रिलेटेड टू द कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, एलोटिपिक डिटर्मिनेंट कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन एंड हैवी चेन बोथ, एंड इडियोटिपिक डिटर्मिनेंट आर रिलेटेड टू ओनली द वेरिएबल रीजन। सो दिस इज़ द केस। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इडियोटिपिक डिटर्मिनेंट ऑफ एंटीबॉडीज़ आर एसोसिएटेड विद द ओनली वेरिएबल रीजन। सो इसका आंसर हो जाएगा वेरिएबल रीजन। सो यहाँ तक हमने 2012 के जो इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चन आए थे वो कंप्लीट कर दिए। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, राइट, 5 क्वेश्चन आए 2012 में इम्यूनोलॉजी से। अब हम आगे बढ़ते हैं 2013 के क्वेश्चन करेंगे। तो 2013 के क्वेश्चन में अगर पहला क्वेश्चन देखें तो रोल ऑफ एडजुवेंट इज़ टू, एडजुवेंट इज़ टू मतलब अगर हम किसी एंटीजन को देखें तो एंटीजन को कि हमारे बॉडी में प्रोलॉन्ग परसिस्ट करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारे बॉडी में रहेगा तो हमारी जो बॉडी है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ फॉर्म करने में मदद करेगी। जैसे हम वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन में भी
जो क्या कहते हैं जो एंटीजन है उसके साथ कुछ एडजोन्स ऐड किए जाते हैं और फिर हमारे बॉडी में इंटर कर दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे बॉडी में वो ज़्यादा समय तक रहता है और हमारी बॉडी जो है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज फॉर्म कर सकती है। सो रोल ऑफ एडजोन्ट इज़ टू प्रोलॉन्ग परसिस्टेंट ऑफ एंटीजन, क्रॉस लिंक्ड ऑफ एंटीजन, इंक्रीज द साइज ऑफ एंटीजन एंड अवॉइड द इन्फ्लेमेशन। ऑफकोर्स एडजोन्स जो है एंटीजन की साइज इंक्रीज करती है, लेकिन उसका पर्पज़ क्या है? मेन पर्पज एडजोन का यही है कि वो परसिस्ट कर सके हमारी बॉडी में फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। सो एंडोजिनस एंटीजन आर प्रेजेंटेड ऑन द सेल सरफेस अलोंग विथ। सो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर ऐसे क्वेश्चन है एमएससी मॉलिक्यूल में ये चीज़ भी आपको पता हो तो बहुत ईजीली आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अगर हम टी एच सेल एंड टी सी सेल, हमें यह पता है कि ये दोनों सेल जो है वो क्या करते हैं, जो एंटीजन प्रेजेंट कर रखा है उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। अब जो टी एच सेल है उसे जो है सी डी वो रिकॉग्नाइज करता है सी डी फोर को, और जो टी सी है वो रिकॉग्नाइज करता है सी डी एट को। तो ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर सी है तो सी से एट बनाना ईजी होता है, या फिर इससे एट बन सकता है, इसीलिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आप टी सी से जो है या सी से एट बन जाता है, इसीलिए टी सी सेल जो है वो सी डी एट को रिप्रेजेंट करती है, फिर सी डी एट को रिकॉग्नाइज करती है, और टी एच जो है वो सी डी फोर को रिकॉग्नाइज करती है। अब यहाँ पे है कि एम एस सी मॉलिक्यूल कौन सा है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है एम एस सी टू, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ है एम एस सी वन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैं फिर से आपको एक बता दूँ, अगर हम टी सी एंड टी एच ले रहे हैं तो टी सी ले रहे हैं तो हमें सी डी एट याद रखना है, और टी एच ले रहे हैं तो सी डी फोर को रिकॉग्नाइज करता है याद रखना है। अगर सी डी एट है तो एम एस सी मॉलिक्यूल कौन सा होगा, तो एम एस सी होगा सेकेंड, सॉरी एम एस सी फर्स्ट एंड फोर है तो होगा एम एस सी सेकेंड। अब यहाँ पे है कि एंडोजिनस पाथवे कौन एंडोजिनस पाथवे और एक्सोजिनस पाथवे। सो एंडोजिनस पाथवे मतलब क्या, जिसमें जो एंटीजन है वो सेल के अंदर ही होगा, दैट इज़ एंडोजिनस पाथवे। एंड एक्सोजिनस पाथवे मतलब जो एंटीजन है वो बाहर से सेल के अंदर आएगा, फिर उसको छोटे छोटे पेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और फिर एक्सप्रेस करेगा। सो जो फोर वाला पाथवे है वो है एक्सोजिनस, मतलब बाहर से जो एंटीजन्स आएंगे सेल के अंदर लाए जाएंगे और फिर उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। लेकिन टी सी सेल जो है वो एंडोजिनस मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करती है, मतलब सेल के अंदर ही जो एंटीजन्स है उसको ही रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ना कि उस सेल को डिस्टर्ब कर दिया जाए। सो इसीलिए जो सी डी एट है या फिर एम एस सी वन मॉलिक्यूल है वो एंडोजिनस पाथवे को फॉलो करता है। यहाँ पे यही बोला है कि एंडोजिनस एंटीजन आर प्रेजेंटेड ऑन द सरफेस ऑफ, सो एंडोजिनस एंटीजन प्रेजेंट करता है एम एस सी वन में, ठीक है, एंडोजिनस करता है एम एस सी वन में एंड एक्सोजिनस करता है एम एस सी सेकेंड में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। सो टी सी सेल सी डी एट एम एस सी वन एंड एंडोजिनस पाथवे, टी एच सेल सी डी फोर एम एस सी सेकेंड एंड एक्सोजिनस पाथवे। सो यहाँ पे बोला है एंडोजिनस एंटीजन आर रिप्रेजेंटेड ऑन द सेल सरफेस अलोंग विद, सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड अलोंग विद एम एस सी वन। प्रोटीन ए विच हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू एफ सी रीजन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। प्रोटीन ए जो है वो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी करता है एफ सी मॉलिक्यूल ऑफ इम्यूनोग्लोबिन एंड वो एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, जो प्रोटीन है वो मोस्ट कॉमनली एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है स्टेफालोकोकस पायरोजन से, सॉरी स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन से। सो स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन से जो है मोस्ट कॉमनली प्रोटीन ए एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। सो रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडीज एंड एंटीजन दैट डिटेक्टेड बाय प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन इन अगार जेल इज़ रेफर्ड एज। आपने अगर इम्यूनोलॉजी का कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है अपने लैब में तो आपको पता होगा
कि जब एंटीजन एंड एंटीबॉडी डरा करती है और प्रेसिपिटेट फॉर्म करती है अगर जेल में, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे मोस्ट कॉमनली इम्यूनो डिफ्यूजन ऐसे किया कहा जाता है, जिसमें यहाँ पे अगर हम देखें तो इम्यूनो डिफ्यूजन मतलब क्या एग्जैक्टली? जब हम एंटीबॉडीज़ यहाँ पे है एक वेल में रखेंगे और एक जेल के एक वेल में एंटीजन रखेंगे, जब एंटीबॉडी एंड एंटीजन एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऐसा प्रेसिपिटेट लाइन फॉर्म होगी। जब प्रेसिपिटेट लाइन फॉर्म होती है, जब एंटीजन एंड एंटीबॉडी इक्विवेलेंट इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, जब एंटीजन एंड एंटीबॉडी यहाँ पे इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो गए, तब प्रेसिपिटेट लाइन फॉर्म होंगी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। सो इस तरह से या इस पूरे जेल में जो ये प्रोसेस होती है, इसे हम कहते हैं इम्यूनो डिफ्यूजन। ठीक है, अगर हम यहाँ नीचे देखें तो यह अगार मैट्रिक्स है और यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट लाइन फॉर्म हो रही है, दैट इज़ प्रेसिपिटेशन। और हमें यही बोला है कि इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है इम्यूनो डिफ्यूजन। ठीक है, सो इसीलिए हम इस पर्टिकुलर असे को कहते हैं इम्यूनो डिफ्यूजन असे। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी कि अगार जेल में या उन्होंने वहाँ पे कहा था, इसलिए हम इम्यूनो डिफ्यूजन ऐसे कह रहे हैं। बहुत सारे अगर ट्यूब में हम कह रहे हैं तो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन ऐसे भी हम कहते हैं। ठीक है, सो एग्जैक्टली हमें क्या पूछा है या हमें देखना पड़ेगा और उसके अनुसार हमें आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, सो 2014 का ये क्वेश्चन है। सो मैच द फॉलोइंग पूछा है, एंटीबॉडीज़ दिए गए हैं, उनके पर्टिकुलर फंक्शंस यहाँ पे समराइज किया है, हमें बताना है कि एग्जैक्टली उनका फंक्शन क्या है। सो IgG, IgA, IgE एंड IgM। सो यहाँ पे सिंपल फॉर्म में अगर हम कहें तो IgE हम कह सकते हैं जो हमें पैरासाइट से प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीरम में जो प्रेजेंट होता है वो होता है IgG। सो वो एक ईजी है कि पी का 4 होगा, जो कि सिर्फ फर्स्ट एंड सॉरी यहाँ पे BC ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन A एंड C में 4 है। ठीक है, अगर हम E कहें तो वो प्रोटेक्ट करता है पैरासाइट से, सो R का 2nd हो जाएगा, जो कि सिर्फ फर्स्ट में है। बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। एक्सटर्नल सिक्रीशन में अगर हम कहें तो A होता है एक्सटर्नल सिक्रीशन में, जिसका क्यूब का 1 होगा। और M अगर हम कहें तो एंटीबॉडीज दैट अपीयर फर्स्ट इन अ सीरम आफ्टर एक्सपोजर ऑफ एंटीजन, जो सबसे पहले फॉर्म होती है वो IgM होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। सो P का 4 हो जाएगा, Q का 1, R का 2nd एंड S का 3rd। सो इसका आंसर हो जाएगा 1st। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंटीबॉडीज एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिससे हमेशा हर साल एक नया क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, तो आप एंटीबॉडी ये टॉपिक ज़रूर करके जाना। इसके बाद अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इज द इनिशिएटर ऑफ मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स अटैक या मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जिसे हम MAC कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। MAC कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले जो हमें लगता है वो है C3 लगता है, लेकिन हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में मोस्ट कॉमनली C3B जो होता है वो लार्ज होता है, और A जो होता है C3A वो स्मॉल होता है। जो बी होता है वही एक एंजाइम की तरह काम करेगा, लाइक C3 कन्वर्टेज की तरह काम करेगा, और वो क्या करेगा, मैक कॉम्प्लेक्स के लिए फॉर्म करने के लिए फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर वो C5, C6, 7 ये सारे कंपोनेंट को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। इनिशिएटर ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स कौन है, तो वो है C3B। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बट मैं फिगर आपको दिखा दे। सो यहाँ पे जस्ट मैंने एक कॉम्प्लीमेंट कैसेट का एक पाथवे लिया है, इसमें अगर हम देखें तो C3 जब क्लीव होता है यहाँ पे, तो वो C3 हाइड्रोलाइज होकर C3B एंड C3A फ्रैगमेंट फॉर्म होता है। उसका जो C3B फ्रैगमेंट है वो बाद में C5 को क्लीव करता है, और जो मैक कॉम्प्लेक्स हम कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स जिसे हम कह रहे हैं, दैट इज़ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, वो फॉर्म होता है 5, 6, 7, 8 एंड 9 से। सो इसकी स्टार्टिंग जो है वो मैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की, वो होती है C3 के एक्टिवेशन के बाद,
इसीलिए C3B जो है वो मोस्ट कॉमनली कंपोनेंट है जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए मदद करता है। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स मतलब बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन वो पोर बनाता है और मेम्ब्रेन को ब्रेक करता है, इससे जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स और जिसे इनिशिएट करता है C3P। ठीक है, सो बेस्ड ऑन अ हेवी चेन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज हैज़ मल्टीपल सब टाइप। मल्टीपल सब टाइप मतलब जिसे हम कहते हैं कि IgG को, जैसे हमें पता है IgG के डिफरेंट टाइप्स है, लाइक 1 है, IgG2 है, IgG3 है, 4 है, इस तरह से। और एक एंटीबॉडी है जिससे मल्टीपल सब टाइप प्रेजेंट होते हैं जो कि है IgA। IgA के भी सब टाइप प्रेजेंट होते हैं और IgG के भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ IgG दिया है, इसीलिए हम IgG को पिक करेंगे कि IgG के मल्टीपल सब टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अगला क्वेश्चन अगर देखें, प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बाय हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या है, जिसमें हम मोस्ट कॉमनली बी सेल एंड एक कौन से स्टेम सेल्स को क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, जिसके कारण जो बी सेल है जो एंटीबॉडीज फॉर्म कर रही है वो हमेशा फॉर्म करती रहे और वो कभी क्या होने, एपोप्टोसिस में जाके उसकी डेथ होने, वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहे और एंटीबॉडीज बनाती रहे। तो यहाँ पे ये पूछा है कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में कौन से सेल्स हम लेते हैं, स्प्लेनोसाइट्स लेते हैं, ऑस्टियोसाइट्स लेते हैं, हेपेटोसाइट्स लेते हैं या थाइमोसाइट्स लेते हैं। तो हमें पता है हम जो बी सेल्स लेते हैं वो मोस्ट कॉमनली स्प्लीन से लेते हैं, स्प्लीन से सेल लेकर उसे यूज़ करते हैं। सो इसीलिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में जो सेल्स हम लेते हैं वो स्प्लीनोसाइट्स होते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द आंसर, स्प्लीनोसाइट्स। फिर से एक मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे सेल्स दिए गए हैं और उनका फंक्शन दिया गया है। डायटिक सेल्स में ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं, राइट? सो डेंड्राइटिक सेल्स का जो है वो कंटेन अ लॉन्ग मेम्ब्रेन प्रोजेक्शंस। सो एस का हो जाएगा 6, जो कि यहाँ है और यहाँ है, इन दोनों में ही नहीं है। तो हम ए एंड सी को नहीं देखें तो भी चलेगा, सिर्फ हम बी और डी को देखना है। इसके बाद अगर हम देखें जो ईजीली हमें सॉल्व हो जाएगा वो है मास सेल। मास सेल के पास जो होते हैं मोस्ट कॉमनली ग्रैन्यूलोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, सो दैट इज हैविंग ए एजरोफिलिक ग्रैन्यूल्स। सो पी का हो जाएगा 3, जो कि सिर्फ डी में है। सो बी भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी भी कंफर्म कर देते हैं। नेचुरल किलर सेल्स जो है मोस्ट कॉमनली क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने में एक्टिवेट करते हैं, और न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं उनके पास क्या होता है, CD56 होता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू बैक्टीरिया, एंटीबॉडीज इसमें से कोई भी सेल फॉर्म नहीं कर सकती, इसलिए 5 ऑप्शन जिसमें दिया है उससे पहले एलिमिनेट कर दो, जो कि ए एंड सी है। वैसे भी एलिमिनेट हो जाता, सिर्फ हमें दो में ही देखना है। और मास सेल्स मोस्ट कॉमनली ग्रैन्यूल्स रिलीज करते हैं जो कि हाइपरसेंसिटिविटी में भी प्रेजेंट होते हैं। ये सबसे आसान तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सो इस तरह से हम ऑप्शन डी तक पहुंच जाते हैं और हमारा आंसर हो जाता है डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली इनकरेक्ट। सरफेस इम्यूनोग्लोबिन दैट इज़ बी सेल एंटीजन रिसेप्टर। सरफेस इम्यूनोग्लोबिन मीन्स सरफेस पे प्रेजेंट होने वाली जो एंटीबॉडीज है जो बी सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होती है, राइट? दैट इज एम एंड डी। ये दोनों एंटीबॉडीज सरफेस पे प्रेजेंट होती है। सो इस एंटीबॉडीज को या दैट इज सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन को हम बी सेल एंटीजन रिसेप्टर या बी सेल सरफेस रिसेप्टर भी कहते हैं। सो दिस इज करेक्ट वन। ओके, सेकेंड वन अगर हम देखें एफिनिटी मैचुरेशन। सो एफिनिटी मैचुरेशन आइसोटोपिक स्पीशीज से नहीं होती। एफिनिटी मैचुरेशन किससे होती है, दैट इज सोमैटिक म्यूटेशन से होती है, राइट? सो सोमैटिक म्यूटेशन उस एंटीबॉडीज में कुछ चेंजेस होती है और उसकी एफिनिटी उस एंटीजन की तरह फॉरवर्ड बढ़ जाती है, दैट इज एफिनिटी मैचुरेशन। सो यहाँ पे ये बिल्कुल भी गलत है।
सो एफिनिटी मैचुरेशन आइसोटोपिक स्विचिंग से नहीं होती, तो वो सोमैटिक हाइपो म्यूटेशन या फिर सोमैटिक म्यूटेशन से होती है. सो बी इज इनकरेक्ट. ठीक है, लेकिन यहाँ पे और एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज़ टू स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. सो इसके दो आंसर हो सकते हैं. एफ सी रीजन ऑफ एंटीबॉडीज बाइंडिंग टू कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन. इस एफ सी रीजन इज दिस, अगर हम ये एंटीबॉडीज कह रहे हैं तो इसका ऊपर का रीजन हम कहते हैं दैट इज़ फैप रीजन, राइट, दैट इज फ्रैगमेंट फॉर एंटीजन बाइंडिंग. लेकिन ये नीचे का रीजन जो है जिसे हम क्या कहते हैं, एफ सी पोर्शन. सो दैट एफ सी रीजन ऑफ एंटीबॉडीज बाइंडिंग विद द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, दिस इज राइट वन. सो सी इज राइट. एंड स्प्लीन इज अ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, नो कनेक्शन विद द लिम्फैटिक सिस्टम, दिस इज रॉन्ग. स्प्लीन का कोई कनेक्शन लिम्फोइड ऑर्गन से नहीं होता, दिस इज द रॉन्ग आंसर. सो डी इज ऑल्सो रॉन्ग एंड बी इज ऑल्सो रॉन्ग. ये दो स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग दिए गए हैं. ठीक है, अब हम आगे का देखते हैं. अकॉर्डिंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एंटीजन एक्टिवेशन इफेक्टर टी सेल. एंटीजन एक्टिवेट इफेक्टर टी सेल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है ये पूछा है. दैट इज सी डी फोर मेक अ कॉन्टैक्ट विद माइक्रोफेजेस एंड स्टिमुलेट माइक्रोबियल एक्टिविटी. सी डी फोर सेल मेक कॉन्टैक्ट विद बी सेल एंड स्टिमुलेट देम डिफरेंशिएटेड इनटू प्लाज्मा सेल. CD8 cell may contact with B cell and stimulate them differentiated into plasma cell. And CD4 cell may contact with virus infected and kill them. So, यहाँ पे एक चीज़ हमें ये पता है, ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है. इन दोनों से एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होगा, एक गलत होगा. CD4 जब हम कहते हैं और CD8 जब हम कहते हैं, तो CD4 हमेशा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर ही प्रेजेंट होता है, और जो CD8 होता है वो न्यूक्लिएटेड सेल पे प्रेजेंट होता है. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में माइक्रोफेजेस होंगे, बी सेल और टी सेल्स होंगे और डेंड्राइटिक सेल्स होंगे जो एंटीजन को प्रेजेंट करती है. अगर हम CD4 कहें तो वो हमेशा माइक्रोफेजेस, बी सेल एंड डेंड्राइटिक सेल पे प्रेजेंट होगा, और CD8 न्यूक्लिएटेड सेल पे प्रेजेंट होगा. यहाँ पे जो स्टेटमेंट आर यहाँ पे लिखा है, CD8 सेल कॉन्टैक्ट विद बी सेल. सो CD8 सेल कभी बी सेल से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा. सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है, CD4 सेल में कॉन्टैक्ट विद बी सेल एंड स्टिमुलेट करेगा प्लाज्मा सेल्स को, दिस इज राइट आंसर. CD4 सेल में कॉन्टैक्ट विद माइक्रोफेजेस एंड स्टिमुलेट द माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. CD8 सेल में कॉन्टैक्ट विद वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड किल देम, यस दिस इज एब्सोल्युटली राइट. वायरस इन्फेक्टेड सेल को CD8 कॉन्टैक्ट करेगा और CD8 क्या करेगा, उसको किल करेगा, क्योंकि मोस्ट कॉमनली CD8 का जो पाथवे है वो मोस्ट कॉमनली इंडोजिनस पाथवे है, राइट. मोस्ट कॉमनली इंडोजिनस पाथवे जो वायरस इन्फेक्टेड सेल को मोस्ट कॉमनली किल करने का काम करता है. सो यहाँ पे आर स्टेटमेंट रॉन्ग है. अगर आर स्टेटमेंट रॉन्ग है तो पी क्यू एंड एस ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा. फिर से मैं एक बार समराइज करती हूँ. अगर हम CD4 कह रहे हैं और CD8 कह रहे हैं, तो CD4 हमेशा एक्सोजिनस पाथवे को करेगा और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे वो प्रेजेंट होगा. लेकिन जब हम CD8 कह रहे हैं तो वो हमेशा एंडोजिनस पाथवे को करेगा और न्यूक्लिएटेड सेल पे प्रेजेंट होगा. सो ये चीज़ें आपको मोस्ट कॉमनली MHC मॉलिक्यूल CD4 एक्सो है या एंडो है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे एक्सप्रेस होता है या न्यूक्लिएटेड सेल पे एक्सप्रेस होता है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी. आप एक बार लिस्ट आउट कर दीजिए ये सारे स्टेटमेंट एक लाइन में. आपको इतनी भी चीज़ें आपको पता होगी तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे. सो इसका आंसर है सी. ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट असे दैट इज इलाइजा इज यूज फॉर. सो इलाइजा किसके लिए हम यूज़ करते हैं, क्वांटिफाइंग एंटीबॉडी लेवल इन ब्लड, डिटरमाइन मॉलिकुलर वेट ऑफ एंटीजन, प्योरीफाइंग प्रोटीन फ्रॉम बायोलॉजिकल फ्लूड और डिटरमाइनिंग मॉलिकुलर वेट ऑफ एंटीबॉडीज. अगर आपने अपने लैब में इलाइजा किया है कभी, तो हम इलाइजा क्यों करते हैं, हमारे सैंपल में एंटीबॉडीज़ की लेवल डिटरमाइन करने के लिए या फिर एंटीजन के लेवल डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं. मॉलिकुलर वेट क्या,
हम डिटरमाइन नहीं कर सकते लिहाजा से उसका प्रेजेंस कितना है, कितने क्वांटिफाई में है, क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है, ये डिटरमाइन करने के लिए हम इलाइजा करते हैं। इसलिए इसका आंसर है ए, दैट इज़ क्वांटिफाइंग एंटीबॉडी लेवल इन द ब्लड। ठीक है, सो माइक्रोफाजेस इलिमिनेट पैथोजन बैक्टीरिया अपॉन एक्टिवेटिंग बाय, द सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगेगा। दैट इज़ माइक्रोफाज जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स मोस्ट कॉमनली CD4 एक्सप्रेस करता है, इसलिए माइक्रोफाजेस एलिमिनेट करता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय एक्टिवेटिंग CD4 T सेल। सो मोस्ट कॉमनली CD4 कौन से सेल पे एक्सप्रेस होता है अगर हम कहें तो CD4 जो है वो TH सेल पे एक्सप्रेस होता है। सो माइक्रोफाजेस जो है वो एलिमिनेट करेगा पैथोजेनिक बैक्टीरिया अपॉन एक्टिवेटिंग CD4 TH सेल। सो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मैकेनिज्म बाय यूज बाय ह्यूमन पैथोजन टू इवेड होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स से इवेड करने के लिए जो पैथोजन है वो कौन सा मैकेनिज्म यूज़ करता है, वो खुद को हमेशा बदलता रहेगा। लाइक कोविड हमेशा बदलता रहता है, हमें पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा वायरस हमारे बॉडी में एंटर हुआ है, जो पहले एंटर हुआ था या नहीं हुआ था, हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। सो द सेम वे विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म, वो सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन करता है, एंटीजेनिक वेरिएशंस करता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है या कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करता है। सो मोस्ट कॉमनली ये जो तीन चीज़ें हैं वो तो हम करते हैं। होस्ट पैथोजन क्या करता है, सो पैथोजन क्या करता है, वेरिएशन करता है, दैट इज एंटीजेनिक वेरिएशन वो करता है, इसीलिए वो हमारे इम्यून सिस्टम से बच जाता है, इम्यून सिस्टम हमारी कंफ्यूज हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर प्रोमोट कौन सी कंडीशन करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एग्जैक्टली ऑटोइम्यून डिसीज? ऑटोइम्यून डिसीज मतलब क्या? ऐसी डिसीज या हमारे बॉडी की ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी हमारे सेल को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाती और हमारे सेल को ही डिस्ट्रॉय करना चालू कर देती है, इसे हम कहते हैं ऑटोइम्यून डिसीज। राइट, सो जैसे कि अभी समानता को हुई है मोस्ट पॉपुलर। सो अब हम देख इनएबिलिटी टू एलिमिनेट सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट। सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट को एलिमिनेट हमारी बॉडी नहीं कर पा रही है, इसीलिए वो हमारी बॉडी क्या कर रही है, सेल्फ लिम्फोसाइट पे रिएक्ट कर रही है। सो फर्स्ट बी तो हो गए जनरेशन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज। ऑटो एंटीबॉडीज मीन्स खुद के सेल के लिए ही एंटीबॉडीज फॉर्म कर रही है। सो क्यू भी होगा एबिलिटी टू एलिमिनेट सेल्फ रिएक्टिव टी सेल। अगर वो सेल्फ रिएक्टिव सेल को एलिमिनेट कर पाती तो ऑटोइम्यून डिसीज नहीं होती। राइट, सो आर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो आर ए में भी है और डी में भी है, हम इसे एलिमिनेट करते हैं। और इंडक्शन ऑफ रेगुलेटरी टी सेल इन द थाइमस। रेगुलेटरी टी सेल फॉर्म नहीं हो रही है। राइट, टी सेल नॉर्मली फॉर्म होती तो वो सेल्फ सेल से रिएक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि थाइमस में तो हम सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स को एलिमिनेट कर देते हैं। सो एस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ पी एंड क्यू, इनएबिलिटी टू एलिमिनेट सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट एंड जनरेशन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज, दैट इज़ पी एंड क्यू। इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का कौन सा प्रिंसिपल कंपोनेंट नहीं है ये पूछा है। पहली बात तो इनेट इम्यूनिटी मतलब क्या, जो एंजाइम्स होते हैं लाइक हमारे सलाइवाज होती है, हमारे टेस्ट में एंजाइम्स होते हैं, लाइसोजाइम्स होते हैं, हमारा म्यूकस है, ये सारी चीज़ें इनेट इम्यूनिटी का पार्ट। सो यहाँ पे पूछा है इनेट इम्यूनिटी का कौन सा पार्ट नहीं है। सो म्यूकस एपिथेलिया इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, डेंड्राइटिक सेल्स ऑफ कोर्स इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होती है,
लेकिन मेमोरी बी सेल, मेमोरी बी सेल इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी, इट इज़ द व्हाट, इनेट इम्यूनिटी का पार्ट बी सेल्स नहीं होती, क्योंकि इनेट इम्यूनिटी के पास कोई भी मेमोरी नहीं होती है। इनेट इम्यूनिटी मेमोरी फॉर्म नहीं कर पाती, वो ऐसे ही रिएक्ट होगी जैसे वो पहले टाइम रिएक्ट हुई थी, सेकेंड टाइम भी वही एंटीजन हमारे बॉडी में आया तो वो वैसे ही रिएक्ट होगी जैसे वो पहले टाइम हुई थी। इसीलिए मेमोरी बी सेल इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी, सो इसका आंसर हो जाएगा डी।